नमस्कार, आप देख रहे हैं सोका टाइम्स और मैं आपके साथ भारती दुबे। देखिए, एक मामला सामने आया है जहां पर एक युवक कंपनी के काम से रात के समय निकला था, लेकिन सुबह तक उसकी जान चली गई। बताया जा रहा है कि सुबह लगभग 4 बजे करीब एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें युवक की जान चली गई। युवक का नाम संजय पटेल, उम्र लगभग 39 वर्ष है। देखिए, संजय के 5 बच्चे हैं, 4 बेटियां और 1 बेटा। अकेले कमाने वाले संजय की अब जान जा चुकी है और वहीं परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रखा है। युवक सेक्टर 24 की इंडो कंपनी में काम करते थे। युवक का तावड़ू के पास एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनकी जान चली गई, जिसके बाद संजय को बादशाह खान सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया, जिसके बाद पोस्टमार्टम होने के बाद आरोप लगाए हैं परिजनों ने कि जबरदस्ती जो है उनको 22 के शमशान घाट ले जाया गया ताकि कंपनी पर कोई बात ना आए। जिसके बाद कंपनी के द्वारा भी पूछा गया कि क्या ये सच है क्या नहीं। देखिए क्या कहना है परिवार और कंपनी वालों का। प्रेमचंद, प्रेमचंद जी, क्या मामला है? युवक की मौत हुई है, क्या मामला है? ये मामला है सर, ये बंदा इंडो कंपनी ऑटो टच में काम करता था और ये नाइट ड्यूटी था इसका। अरे, गाड़ी के साथ गया हुआ था और इसका जो है क्या नाम से आते समय वापसी आ रहे थे, निमराना साइड में इसका एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी किसकी थी और कौन? गाड़ी इंडो कंपनी की थी, इंडो का ड्राइवर था, इंडो का ये लेबर भी था। ड्राइवर जो कि सुरक्षित है, उसके कहीं हाथ पैर में कहीं चोट नहीं किसी चीज। ये बंदे को गंभीर रूप से घायल है, जिसमें इसको ऐसा लग रहा है जैसे कि अलग से ही इसको चोट लगी हो। और गाड़ी का तो अभी हमने देखा नहीं, गाड़ी कैसा है कैसा अलग नहीं। से चोट का मतलब? अलग से सिर पे चोट लगा हुआ था, एक हाथ पे एक पैर पे। और क्या गाड़ी जिसमें ये व्यक्ति सवार था, जो खलासी का काम करता है, खाली करने गया था, तो उस गाड़ी में भी कहीं कोई चोट जो है भिड़ंत के निशान है? वो सर हमने देखा नहीं, लेकिन वो ड्राइवर जो है, उस ड्राइवर को बिल्कुल निशान नहीं है कुछ किसी चीज का। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? लापरवाही कंपनी की है और ड्राइवर की है। कितने सालों से काम करता था ये? 3 साल से काम करता था। ये अचानक आप लोग जो है बीके से सीधे शमशान घाट अपने आप दबाव बना रहा है। कहा जा रहा है कि समझौता कीजिए, किसी चीज पे समझौता मानने को राजी नहीं है। आपकी मांगे क्या है? क्या चाहते हो आप इसमें? इनको ये कि इनके परिजन को कम से कम 15 लाख रुपया और एक व्यक्ति की नौकरी और इनकी जो पीएफ से पेंशन लगती है वो ये इनकी तरफ से लगे, वो इनको पूरा किया जाए। ये कमाने वाले अकेले थे परिवार? ये अकेला था, अकेले ही था। सदस्य हैं जो ये 5, इसके 5 तो लड़की हैं, 1 लड़का है, 1 बीवी है, बाकी माए बाप है। इनको ऑटो चक इनको अभी कंपनी वाले जबरदस्ती लेके आए हैं बॉडी को? हाँ, अभी जबरदस्ती लाए हैं। अच्छा, यानी परिवार की इच्छा नहीं थी? नहीं थी, नहीं थी। मेरा नाम गोपाल है जी। क्या हुआ था, पूरा मामला? मैडम जी, इनका मामला यह है कि ये कंपनी में जॉब करता है, इंडो कंपनी की गाड़ी में कंडक्टर का काम करता है ये, और ये रात की ड्यूटी थी इनकी माल लेके, और ये गए हुए थे इमराना या पता नहीं कहाँ गुड़गामा उधर गए हुए थे, गाड़ी वापसी में आते टाइम में और ये हादसा हो गया। कितने बजे की बात है मैम? ये तो मुझे पता नहीं है, सुबह के टाइम है, ये ड्राइवर से पता लगा है, 4:30-4 बजे की बात सुबह की टाइम है। क्या नाम था उनका जिसका एक्सीडेंट हुआ जी? उसका नाम है संजय महतो। कितनी उम्र होगी इनका? उम्र है 39 है। कितने बच्चे होंगे? बच्चे इनके 5 है। कौन 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 है बच्चों में? इनके तो 4 बेटी हैं और 1 लड़का है। 1 लड़का है? हाँ जी। तो अभी आरोपी पकड़ा गया है? आरोपी तो कंपनी की गाड़ी थी मैम, दोनों। हाँ, जो ड्राइवर थे और जो कंडक्टर थे, दोनों कंपनी के ही थ्रू है। टक्कर मैम ये क्या कहते हैं, सोना से उस तरफ जो है ना, पता नहीं कौन सा जगह बोलते हैं उधर, मुझे पता नहीं है इतना, उस जगह की तरफ हुआ है, सोना के रोड के पहाड़ी। मामला कोई एक्सीडेंट हुआ है कल रात को, ये अपना हाईवे पे नूह के पास गाड़ी का, इंडो कंपनी की गाड़ी थी, उस कंपनी का जो है ना ये कंडक्टर था, उसका एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट होने के बाद क्या हुआ, पोस्टमार्टम हो चुका है, पोस्टमार्टम होने के बाद डेड बॉडी को दाह संस्कार के लिए लाए गए थे, उसके बाद इनके परिजनों ने कुछ ऑब्जेक्शन उठाया है। लेकिन एक चीज़ और नई सामने आई है मेरे को, जो पता चला अभी जस्ट, कि ये औरत तो एक है, इसके आदमी 2 थे, जो एक तो मरने वाला था, दूसरा भी यहीं पर खड़ा हुआ है वो है। अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मान लो कंपनी वाले भी कुछ इमदाद भी किसी करना चाहें तो किसकी करें, उसके बारे में अभी जैसे बात होगी क्लियर करके और आपको बताएंगे। अच्छा सर, अभी आप लोगों के आगे
कंपनी वाले जबरन बॉडी को उतार भी रहे थे और लेके भी जा रहे थे, क्योंकि परिजन का आरोप है और कुछ आप सबने भी देखा होगा और हमने भी देखा है। नहीं, परिजन कंपनी वालों ने कोई ऐसी बात नहीं है, कंपनी वालों गाड़ी से उतरवाई थी, गाड़ी को एम्बुलेंस को जाना था तो इसलिए उतरवाई है यहाँ पर। उसके बाद कंपनी वाले भी यहीं पर हैं और इसके परिजन भी यहीं पर हैं और जैसी बात होगी बात करके फिर बताते हैं आपको। किस प्रकार की कार्रवाई पुलिस की चल रही है इस मामले में? पुलिस को तो अभी इन्फॉर्मेशन मिली थी, मौके पर पहुंच गई है और देख लेते हैं, जैसी कोई बात होगी बता दी जाएगी। अभी फिलहाल सर क्या आश्वासन दिया जा रहा है परिजन को? आश्वासन तो ये भी कोई क्लियर बात नहीं हो रही, क्योंकि औरत एक है, इसके आदमी दो थे। मान लो कंपनी इमदाद करना चाहे वो एक अलग मैटर है, लेकिन जिसकी मृत्यु हुई है, मृत्यु हुई है तो वही तो उसका परिवार को कि उसके परिवार में उसकी पत्नी का नाम क्या है ये तो पता चले। अच्छा, अभी ये कंफर्म नहीं, ये कंफर्म ही नहीं है। बच्चा तो अभी उसका यहीं पे घूम रहा है, ये कैसे कह सकते हैं? अभी हम कह नहीं सकते हैं ना भाई, अभी क्लियर कर लेता हूँ मैं, क्लियर करके बता दूँ। लड़की और एक लड़का बताया, कैसे क्लियर होगा? ये राशन कार्ड बताया जा रहा है, लेकिन वो औरत है, वो औरत ही बताएगी कि ये बच्चे उसके थे, मरने वाले के थे, या दूसरा प्रेजेंट यहीं पर है उसके हैं। तो ये कैसे अभी क्लियर होगा सर, ये राशन कार्ड देखकर किस तरीके से ये कार्रवाई होगी? अभी देख लेते हैं भाई, जो दोनों मौजूद हैं इस टाइम, वो हस्बैंड मौजूद है, उसकी वाइफ मौजूद है, मरने वाला है, उसके परिवार मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं, जैसी बात होगी बता।